हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कोकोनट कुकीज़, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है घर में। तो चलिए गाइस, इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, यहाँ पे देखिए, हमने कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 1 कप मैदा एंड 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट एंड 1/3 कप होममेड देसी घी एंड 1/4 कप पाउडर शुगर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सो इससे चलिए कुकीज़ बनाते हैं। और इसमें थोड़ा सा मिल्क चाहिए, जो कि उसमें डो बनाएंगे, एंड थोड़े से ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट है जो कि उससे कोट करेंगे। चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं कुकीज़। तो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया हुआ है और इसमें हम ऐड करेंगे घी, डाल देंगे इसमें होममेड देसी घी। और अब इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे घी जो है ना थोड़ा ज़्यादा पक गया है। क्रीम से घी बनाते हैं तो ज़्यादा, अगर थोड़ी देर और पका दें तो वो डार्क कलर हो जाता है, बट खुशबू अच्छी होती है उसकी। तो ये बढ़िया सा इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, मिक्सर से, इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आज मिक्सर से ही कर रहे हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो सबके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है तो सोचते हैं कि इसको बनाना मुश्किल होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, स्पून से भी कर सकते हैं ऐसा, मिक्सर होगा तो उससे भी कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करके बटर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमने घी डाला है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास अनसाल्टेड बटर है तो ही बना सकते हैं कुकीज़, वो अच्छा लगेगा। गाइस, अब हम इसमें मैदा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे शुगर आप अपने टेस्ट वाइज ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यानी 1 कप मैदा है तो 1/2 कप शुगर डाल सकते हैं, शुगर पाउडर। तो यहाँ पे हमने स्वीट कम रखना था, मीठा कम रखना था, इसलिए मैंने कम डाला। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा डाल दिया, यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये जो हमारे पास 1/2 कप कोकोनट पाउडर है, डेसिकेटेड कोकोनट, तो इसको डाल देंगे, इसको मिला लेते हैं। वैसे देखिए, जब कुकीज़ घर में बनाते हैं तो कितनी प्योरिटी रहती है और काफ़ी चीज़ें साफ़ सफाई से बनती हैं, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, घर पे भी आसानी से बनाया जा सकता है कुकीज़। इसमें हम थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे डो बनाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इसको हाथ से डो बना लेते हैं, बहुत कम इसमें मिल्क लगेगा, ज़्यादा मिल्क नहीं लगने वाला। ये हमारा डो जो है बनके तैयार हो गया है। तो जब भी मिल्क ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा डालिए, 4 से 5 टेबल स्पून ही मिल्क लगेगा इसमें। तो चलिए अब इसको बेकिंग डिश में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्पून ले लिया है, उससे ऐसे निकाल लेंगे, जितने साइज़ के आपको कुकीज़ बनाने हैं उसको ले सकते हैं। इसको हमने कोकोनट का जो ये है ड्राई, इसमें ऐसे कोट कर देंगे, इसको ऐसे डिश पे रखते जाएंगे, इस तरह से सारे कुकीज़ बना लेंगे। एक स्पून से ऐसे निकालेंगे तो छोटे बड़े नहीं होंगे, एक साइज़ के बनेंगे। हाथ से हल्का सा प्रेस करके शेप दे देते हैं। गाइस,
गाइज यहाँ पे हमने बेकिंग डिश में कुकीज़ बेक होने के लिए रख दिए हैं, तो चलिए इसको ओवन में रखते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे 20 मिनट्स के लिए। गाइज 20 मिनट हो गए और हम कुकीज़ को जो है बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर रखना है ठंडे होने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से कुकीज़ रेडी होके आ गए। तो गाइज कुकीज़ थोड़ी ठंडी हो गई है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि इतना बढ़िया से ये बन गई है, और इसको एक कुकीज़ ब्रेक करके दिखाते हैं। देखिए बढ़िया सी कुकीज़ रेडी हो गई है, तो अभी ने ट्रे में लगा लेते हैं, सर्विंग ट्रे में। सो गाइज फाइनली देखिए हमारी कुकीज़ रेडी है, बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। सो गाइज बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। ओके, टेक केयर।